ऐसा किसी भी व्रत में नहीं आया है कि आपको भोजन लेना है। ये तो ध्यान में ही रखना चाहिए। कई लोग अपनी तरफ से हल निकाल लिया है कि वो एक टाइम पूरी खा लो या एक टाइम खा लो तो चलेगा। कोई भी विधान नहीं, जो भी व्रत रहा जाएगा वो व्रत का मतलब फलाहार ही है। अब हम तो उतनी कड़वी बात नहीं कह रहे हैं, हमारे महापुरुष तो ये कहते हैं कि अगर व्रत में आपने व्रत लिया है तो फलाहार का मतलब फलाहार ही होगा, उसमें कोई कूटू हलवा और पकौड़ी और कचौड़ी नहीं। ये सब स्वाद के लिए व्रत थोड़े होता, स्वाद ही लेना है तो व्रत क्यों रखा। व्रत का मतलब इंद्रिय संयम पूरी तरह से हो, और नहीं रह पाते हो तो बिल्कुल मत रहिए, उसमें क्या बात, तो वो काम चलाऊ बात नहीं। अगर अन्न नहीं लेना है व्रत में तो क्या करना है, एक दिन पूर्व शाम के समय, एक दिन पूर्व आपको कुल्ला करके सोना चाहिए। ये थोड़ा सा बात कठिन तो नहीं है, लेकिन जानते नहीं है आप। मनी व्रत आपका कल एकादशी है, आज शाम को जो भी आपने खाया है लेटने से पूर्व आपको ब्रश करना है, दांतों करना है, कुल मिला के कुल्ला करना ही है, तब सोना है। अच्छा महाराज जी, ऐसा हम ना करें तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि व्रत आपका 4 बजे शुरू हो जाएगा और आप स्नान करेंगे 5 बजे, पूजा करेंगे 6 बजे, तो कल वाला अन्न का एक दाना भी मुंह में अगर सुबह निकल गया तो व्रत तो गड़बड़ हो गया ना। तो शाम को ही मुंह आपको शुद्ध करके लेटना चाहिए, ये बात कह रहा हूं, समझ गए ना।